हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज आ गया है वो वीडियो जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि क्वेश्चन पूछ के मैं आंसर दूंगा। तो ये अपना क्यू एन ए वीडियो है, फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो। एंड गाइस 3K तो कंप्लीट हुआ नहीं, 3K सब्सक्राइबर फैमिली, बट अपन लोग छोड़ दो हटा। तो हम लोग 14 सब्सक्राइबर अवे है, मतलब कि 2986 मैंने लास्ट डिजिट देखा था और 14 सब्सक्राइबर अभी हम लोग अवे है। तो चलिए ये भी हो जाएगा, कोई नहीं। तभी टाइटल तो हम लोग 3K रखे हैं क्योंकि 3K हम लोग घुस चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यों है, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट तो एक से एक आया है, मतलब कि पता नहीं यार क्या क्या कमेंट है, रुके को दिखाते हैं। मतलब कमेंट बहुत सारे हैं, 25-30 कमेंट आए थे, 25 थे अप्रॉक्स, जिसमें से 3-4 कमेंट मतलब कि एक ही बंदे से किया हुआ है, मतलब एक ही आदमी 3-4 बार कमेंट किया है, मतलब क्लियर करने के लिए क्या क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो गाइस पहला क्वेश्चन जो है वो है नमन जलान की तरफ से, ब्रो हु इज योर गर्लफ्रेंड। आपको नाम जानना है तो नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो देख लीजिए। қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты, қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа। चलिए गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई श्लोक कीड़िया की तरफ से कि भाई चैनल स्टार्ट करने के बाद फैमिली मेंबर से क्या रिएक्शन था। तो गाइस फैमिली मेंबर्स का जो रिएक्शन था वो था काफी डेंजरस था, बिकॉज मेरे चैनल का नाम ही ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं रोज रोज सुनता था चैनल की वजह से। अभी तो काफी मतलब क्या भी छोड़ दो, क्या बोले, ये अंदर ही रहने दो, ये राज रहने दो ये बात को। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया गाइज, वो है केशव झा की तरफ से कि हु इज योर क्रश इन स्कूल लाइफ। तो भैया अपनी क्रश रह जो थी तो उसका फोटो भी दिख जाएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद एक वीडियो मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारा आया है कि एक वीडियो पे कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, तो एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले रोमिल राज ने पूछा है कि एक वीडियो पे कितना खर्चा आ जाता है। तो देखो भाई खर्चा तो मतलब उतना नहीं आता है, मतलब अप्रॉक्स जो पेट्रोल का खर्च लगता है बस वही लगता है, बाकी सारे सामान अपने रहते हैं इसलिए और कोई एडिशनल खर्चा नहीं रहता है। बस जितना जो पेट्रोल का खर्च रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ एंड वीडियो के दौरान, बस उतना ही लगता है, बाकी वैसा और कोई एक्सटर्नल खर्चा नहीं है। और एक और क्वेश्चन आया गाइस, ये है सत्यम डालमिया की तरफ से कि ICSE का बोर्ड एग्जाम कब होगा। भैया मोदी जी से कॉन्टैक्ट करिए आप प्लीज़। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे मतलब सही लगा, अभी तो ये हुआ नहीं है, ये KM मोटो व्लॉग्स की तरफ से कि भाई फर्स्ट पेमेंट कब आएगा, और आ गया है तो कितना आया है प्लीज बताएं। तो गाइस अभी तक भाई फर्स्ट पेमेंट आया नहीं है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे चैनल पे, तो इसलिए अभी फर्स्ट पेमेंट मेरा आया नहीं है। जब आएगा तो जरूर बताएंगे क्या कितना आया है, क्या आया है। उसके बाद टाइम वाला जो क्वेश्चन है वो 3-4 आदमी की तरफ से आया है, मतलब एक MD सलमान हुसैन की तरफ से आया है, अभिषेक जैन करके एक उनके तरफ से आया है। तो अब सलमान ने पूछा है कि एक वीडियो पर कितना टाइम लग जाता है। तो भाई एक वीडियो पर कम से कम 2-3 घंटा लग जाता है, अगर वो वीडियो आसपास में शूट कर रहा हूँ तो। ऐसे तो अपना वीडियो काफ़ी दूर रहता है, मतलब कि जो स्पॉट रहता है अपना, जो ट्रैक रहता है अपना, वो कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर रहता है, तो वहाँ पे अपन शूट करते हैं। तो जाने आने का मतलब टाइम प्लस वहाँ पे शूटिंग का टाइम, तो कुल मिला के 2-3 घंटा लग ही जाता है अपन को। और जो अभिषेक जैन का क्वेश्चन है कि एक वीडियो को टोटल एडिट और सब चीज़ करके कितना टाइम लगता है। तो जैसे बताया अभी शूट करने में 2-3 घंटे लगते हैं, एंड उसको एडिट करने में 2 घंटा लग जाता है अगर अच्छे से एडिट किए तो। उसके बाद वो सेव होते होते 1-1.5 घंटा लेते लेते, मतलब टोटल जो शूटिंग से लेकर जो कंप्लीट वीडियो का उसका कम से कम 6-5 घंटा मुझे लग जाता है। एंड किसी को कम लगता होगा बट मुझे लग जाता ज़्यादा, क्योंकि बता दिया सब इलेबोरेट करके बता दिए आपको। तो भाई एक और क्वेश्चन है वो है फैसल खान की तरफ से कि भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतना स्मार्ट कैसे लगते हो, कौन से क्रीम यूज़ करते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है तुषार शिलावत की तरफ से, टेल योर फ्रेंड नेम विच हेल्प यू इन मेकिंग वीडियोस। तो भाई एक ही फ्रेंड है, मतलब जो साथ में रहता है, जिसने क्वेश्चन भी किया है, जो क्रश वाला क्वेश्चन था उसी का था, मतलब जानबूझ के क्वेश्चन किया था वो, कि केशव झा नाम है उसका, मतलब कि मतलब हमेशा वो साथ में रहेगा मेरा, कोई रहे ना रहे,
बाकी ऐसे अपन चेंज होते रहते हैं, बट वो हमेशा साथ में रहेगा वीडियो शूट करने टाइम। तो एक और क्वेश्चन आया है केशव झा की तरफ से कि इंसिडेंट इन योर लाइफ डेट हर्ट्स यू वाइल मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। तो ये बताऊंगा नेक्स्ट, इसके बाद जिसने पूछा उसके बारे में बताऊंगा। तो एक और दो क्वेश्चन आए ऋषभ झा की तरफ से कि मेंशन, पहला क्वेश्चन है कि मेंशन योर डैश फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि एनी एक्सीडेंट वाइल मेकिंग वीडियोज, और जो इंसिडेंट भी इसी में है कि हाँ एक बार एक्सीडेंट हुआ था बहुत खराब से, मतलब उसके बारे में नहीं बताऊँ तो काफ़ी सही है। और वो एक्सीडेंट जो हुआ था जिसके चलते कम से कम 1 से 2 मंथ मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। उस दौरान जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ नहीं किसी को, प्रोटेक्टिव गियर्स थे जिसके वजह से बच गया सब, बट जो बाइक थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था वो इंसिडेंट अभी तक याद है, जिसके वजह से मतलब हाथ मेरे अभी भी लॉक है। उस तरह से मैं कभी अब चलाना ही छोड़ दिया जिस तरह से पहले चलाते थे हम लोग सब। बस नॉर्मल ड्राइव करते हैं, जहाँ स्पीड हो सके बस वहीं स्पीड करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा, वो है शाब्दिक सेन गुप्ता की तरफ से कि भाई विच इज़ योर फेवरेट वीडियो ऑफ योर चैनल एंड विच वीडियो वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू टू शूट। तो भाई फेवरेट वीडियो तो मेरा ऊपर लिंक आ जाएगा कौन सा है, वो मेरे राइड वीडियो जब फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, जो मैंने अपनी RS लिया था उसका अगले दिन जो हम लोग राइड पे निकले थे, वो मेरा एक फेवरेट वीडियो है। क्योंकि पहली बार मैंने अपना बाइक चलाया था, अपनी एक स्पोर्ट्स बाइक, अपाची तो चलाते ही था। तो उसमें होता क्या था कि सब आगे निकल जाते थे, मैं पीछे रहता था। बट इस पे जो था ये मुझे काफ़ी, मतलब कि वो मेरा ड्रीम था एक कि राइड में निकलना, और ये मुझे बेस्ट लगा ये वीडियो। और जिस तरह शूट हुआ, जिस तरह से मेरे बाइक लिया, वो फीलिंग जो था वो काफ़ी मतलब इपिक लेवल का फीलिंग था मेरे लिए। तो अगर आप लोग बाइक लेते हो तो आप समझ ही सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन है कि मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू टू शूट, तो भाई सबसे डिफिकल्ट वीडियो कौन सा था। हाँ तो मतलब सबसे डिफिकल्ट वीडियो जो था वो ये है, देखो आपको लिंक आ जाएगा ऊपर मतलब आई बटन पे, जो मेरा वीडियो है माई सिटी फ्रॉम हिल्स ऑन दिवाली, ये वाला। तो हम लोग मतलब कि एक हिल है हम लोग के सिटी में, एक हिल है एरोड्राम के पीछे में। तो रात का कितना, कम से कम 8:30 या 9 बज रहा था उस टाइम, दिवाली का टाइम था, और उस टाइम हम लोग सब पहाड़ चढ़े थे। तो उतना रात को आप भी समझ रहे हो पहाड़ में चढ़ना इज़ नॉट सेफ। तो वो सबसे डिफिकल्ट वीडियो था वो, और सबसे खतरनाक वीडियो वही था, क्योंकि जो डर था उस टाइम बहुत, हम लोग का हालत ख़राब था, बट कोई नहीं सर्वाइव किए हम लोग। और शाब्दिक सेन गुप्ता का एक और क्वेश्चन है कि एक वीडियो सबके साथ लेकर होगा क्या, मतलब कि जो ऑरेंज राइड जैसा होता है। जो सेकंड क्वेश्चन इसमें इलेबरेट करके बताया उसने कि एक राइड सबके साथ, तो गाइज राइड सबके साथ होना अभी पॉसिबल है, बट किसी का टाइमिंग मैच नहीं करता है। कोई कब कभी कोई और फ्री रहता है, कभी कोई और फ्री रहता है, हमेशा हम लोग एक टाइम पे सब फ्री नहीं हो पाते जो निकलेंगे साथ में। तो होप सो फ्यूचर जरूर निकलेंगे साथ में, तो उसका भी वीडियो आएगा। एक और क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कि वो है सेंस के तरफ से, सेंस XD, कि कैन वी एक्सेप्ट, नहीं एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सपेक्ट कार रेसिंग वीडियोस इन फ्यूचर। भाई फ्यूचर का तो पता नहीं, अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, अब देखो क्या होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, ये ऋषभ झा की पहली तरफ से, मतलब मैंने पहले देखा नहीं था, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट यू इलैबोरेट योर फ्रेंड्स इन योर वीडियो। तो गाइज होता क्या है, जब वीडियो में लेता हूँ और जब इलैबोरेट करने जाता हूँ, मतलब वीडियो की तरफ अगर कैमरा करता हूँ, तो 2 या 3 होते हैं जो कैमरा में रहते हैं, बाकी सब हट जाते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे नहीं आना। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब लॉकडाउन एंड होगा तो अपन लोग जब बाहर निकलेंगे तब सबको इलैबोरेट कराते हैं धीरे धीरे आपको। बाकी सब तो साथ में रहते हैं, हम लोग जब वीडियो शूट करने जाते हैं धीरे धीरे सबको इलैबोरेट कराएंगे उस वीडियो पे। तो गाइज हमने सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जिन जिन को जो डाउट होगा, मतलब जो क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चन मिल गया उन लोगों को। तो बात रही लॉकडाउन पे हम लोग क्या करेंगे, तो धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीडियो सोचते हैं क्या करेंगे, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं बताऊंगा अपना क्या, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ वीडियो शूटिंग के टाइम, एंड क्या क्या मतलब ट्राइपॉड्स वगैरह रहते हैं हमारे। तो चलिए गाइज वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। एंड होप सो गाइज 3K फैमिली तो अपनी कंप्लीट हो ही जाएगी कुछ दिन में, मतलब 1-2 दिन में, ज़्यादा नहीं 15 या 14 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।